हेलो स्टूडेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखना। हम आपको थर्मो पढ़ा रहे हैं। हमने आपको थर्मो में क्या पढ़ाया था याद है? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, बहुत सारे प्रोसेस बताए थे। उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप आइसोथर्मल प्रोसेस के सवाल हो चुके हैं पहले वीडियो में, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम स्लो प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर उसने ये नहीं बोला कि कैसा चेंज है, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि स्लो प्रोसेस, समझ जाना आइसोथर्मल। या उसने अगर ऐसा बोल दिया कि सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, अगर उसने ऐसा भी बोल दिया कभी कि सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, समझ जाना आइसोथर्मल। सब चीज बता दूं मैं, ट्रिक फिर मैं बता दूं। अगर आपसे बोला जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस, आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बदलता है। अब इसने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसको लोग बोलते हैं सडन प्रोसेस। कभी कभी बोल देगा सडन चेंज हुआ, सडन प्रोसेस हुआ, सडन चेंज हुआ, स्लो प्रोसेस, स्लो चेंज, प्रोसेस बोले, चेंज बोले, समझ जाना इसका मतलब यही है। इसका मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस। या ऐसे बोल देगा सिस्टम हीट इंसुलेटिंग है बेटा, ऐसे भी बोल सकता है सिस्टम हीट इंसुलेटिंग है, समझ जाना एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सब समझ, थर्मल इंसुलेटिंग, आइसोथर्मल, हीट इंसुलेटिंग, एडियाबेटिक, स्लो चेंज, आइसोथर्मल, सडन, रैपिड चेंज, एडियाबेटिक। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों में प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं। आपको पता है आइसोथर्मल में भी प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल होता है और एडियाबेटिक में भी प्रेशर वॉल्यूम, बस इसमें होता है कि प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल होता है। और इसमें क्या था एडियाबेटिक में, प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम तो दोनों में वेरिएबल होता है, दोनों में, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। यानी दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली का ऐसे बनेगा। अब मान लो दोनों का हमने दो कर्व बनाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो हमने बेटा दो कर्व बनाए, आराम से देखना, दो कर्व बनाए, कर्व नंबर वन, कर्व नंबर टू, दोनों में पीवी ग्राफ है, दोनों में प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली, तो दोनों का कर्व ऐसे ही बनेगा। अब किसी ने पूछा कि दोनों में से कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है, तो एक बात बता दूं ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझना, स्लोप जो होता है किसका, पीवी ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ किसका, पीवी ग्राफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, याद रखना, वो ग्रेटर होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं प्रेशर वॉल्यूम तो दोनों में इनवर्सली होते हैं, दोनों का कर्व ऐसे ही बनेगा इनवर्सली का। अब दोनों में पता नहीं चल रहा है कि दोनों में कौन सा कर्व आइसोथर्मल का है और कौन सा एडियाबेटिक का है, तो एक बात मैं बता दूं, हमेशा उस ग्राफ का स्लोप एडियाबेटिक का होगा, वो ग्राफ एडियाबेटिक का होगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं बेटा, सब चीज याद रखना, कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा, जो स्लोप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वो गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आप जानते हो गामा की वैल्यू कोई भी गैस लो वन से ज्यादा ही होती है। मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या होता है, 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5, ट्राई के लिए 9/7, गामा तो सब में वन से ज्यादा है, तो जब ये वन से ज्यादा होगा तो स्लोप भी एडियाबेटिक का ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, गामा टाइम्स। ये तो मैंने ऊपर बताया स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ग्रेटर होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्लोप कैसे देखें, तो जो कर्व जितनी झुकी हुई है उसका स्लोप उतना ज्यादा, तो ये कर्व बहुत ज्यादा लीन है, बहुत ज्यादा झुक गई है, बहुत ज्यादा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो साफ दिख रहा है यहां पर, यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, कि जो स्लोप है वो सेकेंड कर्व का ज्यादा है, किससे, फर्स्ट कर्व से। बोलोगे हाँ सर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो सेकेंड है, ये जो है ना सर, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है पीवी, और जो फर्स्ट है ना सर, ये किसका है, आइसोथर्मल का है। यही पॉइंट, दोनों प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम तो आइसोथर्मल में भी वेरिएबल, एडियाबेटिक में भी वेरिएबल, दोनों में एक दूसरे के इनवर्सली।
अब दोनों का ग्राफ इनवर्सली का बनेगा। अब दोनों में से कैसे पहचाने कौन सा आइसोथर्मल का है कौन सा एडियाबेटिक का है? तो जो जितना स्लोप होगा, जितना कर्व झुका होगा उसका स्लोप, आप फिजिक्स में जानते हो जो कर्व जितनी झुक जाती है स्लोप उतना ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा झुक गई है कर्व, ज्यादा एक्स के पैलर हो गई, ज्यादा झुक गई है एडियाबेटिक। जो कर्व वाई एक्सिस के पैलर होती है, वर्टिकल के पैलर होती है, वो कम झुकी हुई मानी जाती है, कम स्लोप माना जाता है, तो ये आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम्स होता है, गामा टाइम्स याद रखना। अब बेटा एक बात याद रखना, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा ग्राफ मिले जो पीवी ग्राफ हो, प्रेशर वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम मान लो दे दिया मैंने मीटर क्यूब में, प्रेशर दे दिया मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इसमें अगर मैंने ऐसे एक प्रोसेस बना, ये प्रोसेस देखो ध्यान से, ए बी सी और ए, ये है टू, ये है सिक्स, ये है थ्री, ये है एट, सबकी वैल्यू इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं ये अपने आप में साफ दिख रहा है कि एक साइक्लिक प्रोसेस, इज वेरी क्लियर कि साइक्लिक है, बताओ कैसे साइक्लिक है, आपको दिख तो रहा है यूं गया यूं गया यूं गया, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में बोला गया इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो याद रखना बेटा अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, कॉन्सेप्ट याद रखना, एरिया जो होता है पीवी ग्राफ का, याद रखना बेटा एरिया जो होता है पीवी ग्राफ का वही वर्क देता है। यस, अगर ग्राफ का सवाल आ जाए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का, तो इसको याद रखना जो भी शेप बना रहे हो उसका जो भी एरिया है वही वर्क देगा। तो क्या बोलोगे, ये जो एरिया होगा किसका, यहां पर कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, वही वर्क देगा, वही वर्क देगा। तो एरिया क्या हो गया, ट्रायंगल है बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं चलता, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो भी शेप, ट्रायंगल तो ट्रायंगल, स्क्वायर तो स्क्वायर, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, उसका जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, यहां से यहां बेस कितना है टू टू सिक्स, बेस कितना है फोर, तो ध्यान से दो से छह कितना है फोर, इंटू हाइट यहां से यहां थ्री से एट के बीच हाइट कितनी है फाइव, आंसर आ गया टेन, यही आ गया जूल इज द वर्क डन। अब सुनो, अब मुझे बताओ बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस है, फिर क्या बोलोगे, इट इज साइक्लिक प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होती, डीयू हो गया जीरो, दो जगह इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, एक तो आइसोथर्मल और एक साइक्लिक। आइसोथर्मल में क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर फिक्स तो एनर्जी फिक्स, नो चेंज। और क्या मैंने कहा, साइक्लिक में भी एनर्जी चेंज नहीं होती, साइक्लिक में भी क्या होता है एनर्जी कॉन्स्टेंट, साइक्लिक में भी नो चेंज इन एनर्जी, डीयू जीरो हो गया, वर्क डन आ गया, डीयू आ गया। अब फर्स्ट लॉ लगा दो, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डीयू प्लस डीडब्ल्यू। देखो चाहे सवाल इक्वेशन पे हो चाहे ग्राफ पे हो, तीनों चीज पूछेगा, वर्क डन, डीयू, डीक्यू, हीट चेंज, एनर्जी चेंज, वर्क डन, इस चैप्टर में तीनों पूछा जाता है। तो आप क्या हो गया बेटा, बोलोगे सर बहुत सिंपल है, अब देखो सर डीयू जीरो है तो आपका हीट चेंज वही होगा जो वर्क डन आया 10 जूल, तो हीट चेंज इज ऑल्सो 10 जूल। ये तीनों, ये साइक्लिक प्रोसेस के सवाल, ग्राफ के सवाल ऐसे ही होते हैं। अब बेटा आपको पता है हमने पढ़ाया था, जैसे मान लो किसी ने कहा कि एक गैस का इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, एक गैस है उसका इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में दे दिया 283 केल्विन, ध्यान से देखो केल्विन में बदल दो, उसने क्या कहा इसमें एक सडन चेंज आया, सडन चेंज आया किसमें, सडन चेंज, देखो सडन चेंज बोल दिया, समझदार हो आप, सडन चेंज बोला नहीं कि वो एडियाबेटिक हो गया, और सडन चेंज आया वॉल्यूम में, और क्या आया, जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, यानी गैस को कंप्रेस कर दिया गया, सडन आपने चेंज किया वॉल्यूम में, कंप्रेस कर दिया और सीधे वॉल्यूम को हाफ कर दिया, हाफ। गैस के बारे में बोला है गैस हीलियम है, अच्छा मोनो एटॉमिक है, तो गामा की वैल्यू यहां चलेगा 5/3। पूछा क्या है, जो वॉल्यूम चुके कैसे पता चला एडियाबेटिक, सडन चेंज अभी मैंने बताया, या बोल देता हीट इंसुलेटिंग सिस्टम, बात वही है। अब जब एडियाबेटिक बोल दिया है तो एडियाबेटिक की कहानी आ गई, फिर गामा भी आपको चाहिए ले लिया आपने,
फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर एंड व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। एडियाबेटिक है तो वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर टेम्परेचर भी चेंज होगा, तीनों चीजें बदलती हैं। तो आपको पढ़ाया था मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी का इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको याद होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा। आपको वी फाइनल निकालना है बेटा, पी इनिशियल देखते जाओ तो छोड़ दो इधर, आपको क्या निकालना है पी फाइनल निकालना है ना, आपको पी फाइनल निकालना है ना, वॉल्यूम आपको निकालना है फाइनल प्रेशर। पी फाइनल इज इक्वल टू क्या पी इनिशियल देखते जाओ बेटा वी इनिशियल बाय वी फाइनल टू द पावर गामा। बिल्कुल ये निकालना था, मैंने इसको इधर छोड़ दिया, इस वॉल्यूम को नीचे डाल दिया गामा के साथ एक साथ। अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल और वी फाइनल को क्या लिख दोगे, देखो वी इनिशियल बाय टू द पावर गामा कट गया, क्या आ गया फाइनल प्रेशर बेटा जल्दी बताओ पी इनिशियल इंटू टू का पावर गामा। पी इनिशियल कितना रखोगे टू एटमोस्फेयर और टू का पावर गामा टू का पावर फाइव बाई थ्री, आंसर आ जाएगा टू इंटू टू का पावर कितना फाइव बाई थ्री एटमोस्फेयर। अब दो टू आ गया है तो चाहो तो बेस पावर वन है पावर फाइव बाई थ्री है तो इसको और लिख सकते हो आप चाहो तो टू का पावर एट बाई थ्री एटमोस्फेयर, वन प्लस फाइव बाई थ्री दो, जब टू ही टू दोनों है तो पावर जोड़ ये तो हो गया फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब आपसे क्या पूछा है ध्यान से सुनो, फाइनल टेम्परेचर भी पूछा है। तो चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपको मैंने कई सारे इक्वेशन पढ़ाए थे तीन इक्वेशन में, अब जैसे आ गया कि अब आपको याद है हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम लेके क्या पढ़ाया था इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद करो टेम्परेचर और वॉल्यूम लेकर ये इक्वेशन पढ़ाया था। इससे क्या पता चल गया बेटा टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम फाइनल का पावर गामा माइनस वन। अब यहां से फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बेटा सोच के जवाब दीजिएगा, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा बहुत सिंपल है देखते जाओ बेटा कैसे निकलेगा पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल का पावर गामा माइनस वन। क्या किया मैंने इसको इधर छोड़ दिया वॉल्यूम को नीचे डाल दिया एक साथ पावर गामा माइनस वन। पी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा पी इनिशियल वी इनिशियल वी फाइनल कितना है हाफ है इसको यूज करो वी इनिशियल बाई टू का पावर गामा माइनस वन कितना आ गया ध्यान से देखो कितना आ गया बेटा जल्दी बताओ P final is equal to P initial 2 का पावर कितना गामा माइनस वन। क्या आंसर आ गया बेटा ध्यान से देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 283 इंटू 2 का पावर गामा माइनस वन 5 बाई थ्री माइनस वन करोगे 2 बाई थ्री कितना केल्विन आ गया बस गामा 5 बाई थ्री माइनस वन यही फाइनल आंसर हो गया केल्विन छोड़ देंगे आगे नहीं सॉल्व होता इतना ही छोड़ दिया जाता है। तो ये सब देखना किस पे था ये एडियाबेटिक के प्रोसेस पे इक्वेशन पे था पीवी में वीटी में प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन था इक्वेशन पे सॉल्व हुआ। एक सवाल आया कि एक बंदा एक गैस को ए स्टेट से बी स्टेट ले जा रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू, एक बंदे ने एक गैस को ए स्टेट से बी स्टेट लेके गया एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू और यहां पे वर्क डन करना पड़ा 5 कैलोरी और आगे माइनस लगाया क्योंकि इसने बोला है यहां पे जो वर्क डन हुआ है वो ऑन द सिस्टम हुआ है। सुनो ध्यान से, एक बंदा एक गैस को ए स्टेट से बी स्टेट ले गया कौन से प्रोसेस के थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू और यहां इसको वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ा, लिखा हुआ है सवाल में गिवन है और आपको पता है वर्डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं वर्डन ऑन द सिस्टम माइनस लेते हैं और कैलोरी में है तो आप जूल में भी बदल दो माइनस 5 इनटू 4.2 कितना आ गया बेटा माइनस 21 जूल। कैलोरी में था जूल में भी बदलना पड़ेगा ऑन द सिस्टम बोला था तो माइनस में ले लिया और क्योंकि एडियाबेटिक चेंज हुआ है यहां पे ए टू बी ए से बी इक्वेशन में एडियाबेटिक चेंज हुआ है तो हीट चेंज 0 ले लो फिर लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो dq is equal to क्या हुआ du plus dw of बिल्कुल तो dq तो 0 है तो 0 is equal to क्या हो गया d
डीयू प्लस डीडब्ल्यू, बिल्कुल। यहां से डीयू क्या हो गया बेटा, रख दो वाटर माइनस 21 जूल, तो डीयू आ गया 21 जूल। यानी इस प्रोसेस में चूंकि एडियाबेटिक था, डीक्यू जीरो है, वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया हुआ था, माइनस क्यों लिया क्योंकि ऑन द सिस्टम था, यहां से फिर डीयू आ गया। फिर क्या हुआ, फिर यही चेंज आया ए टू बी, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो पता नहीं कौन सा है। अब दूसरा बंदा सेम प्रोसेस कर, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दूसरे बंदे ने फिर ए से बी चेंज लाया, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है बट उसने प्रोसेस बदल दिया, कौन सा प्रोसेस लिया पता ही नहीं। अब क्या बोल रहे, सेम एक्सपेरिमेंट किया दूसरे बंदे ने, वहां तो पता था एडियाबेटिक था, यहां पता ही नहीं वो कौन सा प्रोसेस है। उस बंदे ने फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बट प्रोसेस ही नहीं पता कि वो प्रोसेस कौन सा है। तो एक बात सुन लो, और इस प्रोसेस में जो हीट चेंज हुआ, जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, आपको मैं बता दूं, हीट एब्जॉर्ब करे तो वो हीट चेंज प्लस, हीट बोले रिजेक्ट किया तो वो हीट चेंज माइनस, वर्क डन बाय द सिस्टम बोले प्लस, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोले माइनस। तो इस प्रोसेस में जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, यानी हीट चेंज पॉजिटिव लेना है, वो दिया हुआ है बेटा 10 जून। तो वर्क डन पूछा है कि इस प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ, इस प्रोसेस वहां का वर्क डन दिया हुआ था। एक बात आप सुन लो कान खोल के, आपने भले ही प्रोसेस बदल दिया है बट एक्सपेरिमेंट तो सेम है, चेंज तो वही है ए टू बी, यहां भी चेंज ए से बी था, यहां भी चेंज ए से बी है। आपने भले ही एक्सपेरिमेंट बदल दिया हो, सॉरी प्रोसेस बदल दिया हो, बट एक्सपेरिमेंट नहीं बदला, एक्सपेरिमेंट तो सेम है। तो याद रखना, एनर्जी जो चेंज होगी वो सेम होगी, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, वही एनर्जी चेंज यहां भी होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। इफ यू आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट, इफ यू आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम चेंज, सेम प्रोसेस, सेम चेंज, प्रोसेस बेशक अलग अलग है, होने दो। प्रोसेस अलग होने से हीट चेंज अलग होगा, यहाँ हीट चेंज अलग आएगा, वर्क डन अलग होगा, यहाँ वर्क डन अलग आएगा, लेकिन एनर्जी चेंज वही होगी जो पिछले प्रोसेस में थी, बिकॉज एनर्जी तब चेंज वही लेना जो पिछले प्रोसेस में था। प्रोसेस के हिसाब से एनर्जी चेंज पे फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एनर्जी चेंज भी सेम ही लिया जाएगा। निकाल दो, अब तो हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डी क्यू माइनस डी यू। क्या है डी क्यू 10, क्या है डी यू 21, आंसर इज वॉट माइनस 11 जूल। इस प्रोसेस का वर्क डन हो गया माइनस 11 जूल, माइनस में आया तो बोल देना सर यहां भी वर्क डन क्या हुआ है, ऑन द ही सिस्टम हुआ है, सिस्टम का मतलब उसी गैस सिस्टम, सिस्टम के गैस के ऊपर वर्क डन किया गया है बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से। ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं बेटा, आते हैं पेपर में, ध्यान से पढ़ा करो। हाँ, एक सवाल में क्या है कि रेट ऑफ हीट चेंज, देखो अगर हीट चेंज बोलता तो मैं बोलता डी क्यू, लेकिन अगर मैं रेट ऑफ हीट चेंज बोल रहा हूं तो डी क्यू बाई डी टी गिवन है 5 कैलोरी पर सेकेंड। फिर वही बात आ गई, कैलोरी आ गया तो 5 × 4.2 कर दो जूल पर सेकेंड, आ गया 21 जूल पर सेकेंड। फिर यहां पे रेट ऑफ वर्क डन दे रखा है, देखो हीट चेंज बोलता तो सिर्फ डी क्यू लेते, लेकिन रेट ऑफ हीट चेंज बोला तो डी क्यू बाई डी टी, वर्क डन बोलता तो सिर्फ डी डब्ल्यू लेते, रेट ऑफ वर्क डन बोला है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। और ये दे रखा है 10 वॉट, तो वॉट से भी परेशान मत होना, वॉट का मतलब ऑलरेडी जूल पर सेकेंड है, वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम पावर वॉट, बात एक ही। पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो बोलोगे सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो आपने पढ़ाया था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मैंने कहा पढ़ाया तो था मैंने, अब इसी फर्स्ट लॉ में दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, वैसा बन गया वही फॉर्मूला, पहले हीट चेंज एनर्जी चेंज वर्क डन, अब रेट में आ गया वही सेम चीज है। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी यू बाई डी टी, तो क्या हो गया बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट 21, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन 10, तो 21 माइनस 10 कितना हो गया 11 जूल पर सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो बट डीटी आ गया नीचे।
तो बेटा हमने आज इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, ये क्वेश्चंस थर्मो के थे, मिक्स क्वेश्चन थे। आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।